हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन में भारतीय दंड संहिता से संबंधित ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ऐसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन ऑफ आईपीसी के, यानी भारतीय दंड संहिता के ऐसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। और आज ये इसका पहला पार्ट है, यानी आईपीसी के अभी और भी क्वेश्चन हैं। चूंकि आज ये छोटा सा लेक्चर है, इसमें इस छोटे से लेक्चर में जो आईपीसी के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आईपीसी के ऐसे क्वेश्चंस जो सिविल जज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके सबसे पहला प्रश्न है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस, यानी सबसे पहला प्रश्न आएगा अपराध के आवश्यक तत्व। ये अनेक बार पूछा गया है अपराध के क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। हम सभी लोगों ने पढ़ा है एक्ट, एक्ट होता है, एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशेबल होना चाहिए, वो सब चीजें, मेंस रिया होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको बतानी है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्रिपेयर करिएगा। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम, ये भी बहुत बार पूछा गया है अपराध के विभिन्न चरण। यदि अपराध के विभिन्न चरण की बात करें तो आपको मोटिव, देन इंटेंशन, देन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, ये जो अपना स्टेजेस है, इस स्टेजेस को आपको एग्जामिनेशन में लिखना रहेगी और यही आपका आंसर रहेगा। मेंस रिया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पूरे बोर्ड पे जो डिस्प्ले क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया मेंस रिया पे। द मेंस रिया इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ऑफेंस, यानी प्रश्न आया है कि अपराध का दुराशय जो है अपराध का प्रमुख तत्व है, इसको समझाइए। तो मेंस रिया के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, और साथ ही साथ मेंस रिया के एक्सेप्शंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि बिना मेंस रिया के भी ऑफेंस पनिशेबल होता है, इसको भी अपन को बताना है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अंडर द क्रिमिनल लॉ, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कठोर दायित्व का सिद्धांत, आपराधिक विधि में कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में भी अनेक बार प्रश्न पूछे हैं, तो मेंस के लिए इसका भी आंसर बना लेना चाहिए। इंटेंशन वर्सेस मोटिव, यानी आशय और हेतु के बीच में अंतर, अनेक क्वेश्चन पेपर्स में आशय और हेतु के बीच में अंतर भी पूछा गया है, तो दोनों के बीच में कंपेरिजन चार्ट आपको बनाना चाहिए, इसको भी आंसर प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने पूर्व के वीडियो लेक्चर में इंटेंशन मोटिव ये जितने भी हैं इसमें मेंस रिया का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर मैं आंसर्स बना चुका हूं, वो भी आपको अपलोड किया हुआ है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम का भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बन चुका है, इंटेंशन एंड मोटिव भी आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा, वो सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है आईपीसी की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, एक प्रश्न आया है कि भारत के बाहर भी आईपीसी कहां लागू होती है, तो धारा आपको चार और तीन और चार के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तीन और चार के ऊपर भी पूरा एक मेंस का आंसर बनता है। कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट 34 और 149, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर पूछा गया है, कंपेरिजन पूछा गया है, विभिन्न बातें इसकी पूछी गई, तो धारा 34 और 149 को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। पनिशमेंट अंडर आईपीसी सेक्शन 53, हम लोगों ने आईपीसी का चैप्टर 3 पढ़ा है, पूरा चैप्टर 3 ही पनिशमेंट के बारे में है, 53 से लेकर 75 तक। इस 53 से 75 में 53 में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बताया गया और ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। इसके बाद डेथ पेनल्टी कहां कहां पर है आईपीसी में, ये भी प्रश्न आया है कि डेथ पेनल्टी कहां दी गई है, और डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। इनहेंस्ड पनिशमेंट, इनहेंस्ड यानी जिसे हम कहते हैं बड़ी हुई, बड़ा हुआ दंड, वर्धित दंड भी इसको कहा जाता है, तो वर्धित दंड क्या होता है, वर्धित दंड किन मामलों में दिया जाता है, यह भी एक प्रश्न मेंस में आ चुका है। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट क्या होता है, क्यूमुलेटिव मतलब एक के बाद एक चलेगी पनिशमेंट, तो क्यूमुलेटिव आपको पता ही है पनिशमेंट या तो पैरेलल चलती है, कॉन्करेंट या क्यूमुलेटिव चलती है, तो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट क्या होती है, कब दी जाती है, इसके बारे में भी एक मेंस का आंसर प्रिपेयर करना चाहिए। तो मित्रों ये है आज पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट मैं शीघ्र ही अपलोड करूंगा आईपीसी के मेंस एग्जामिनेशन, सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन में आईपीसी के ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और इसमें से अधिकांश टॉपिक लॉ इजी जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो 5-5 मिनट के छोटे से वीडियो मिलेंगे, मेंस एरिया के ऊपर 5 मिनट का छोटा सा वीडियो मिलेगा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम पे छोटा सा 5 मिनट का वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, इंटेंशन मोटिव का डिफरेंस पे आपको मिल जाएगा, तो एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में उसे समझाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी, थैंक यू।